न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 2 अक्टूबर को राजस्थान जाएंगे। यहां वे चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर के दर्शन करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। पीएम मोदी राजस्थान में करीब 7,000 करोड़ रुपए और एमपी में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेहसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इसे 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वे आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट से हर साल 86 लाख सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। इससे साल भर में लगभग 0.5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कटौती में मदद मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी दरहा झालावाड़ को जोड़ने वाले 4 लेन की सड़क का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे 1,480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। वे दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 5 सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बने 2,20,000 से ज़्यादा मकानों में गृह प्रवेश की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री ग्वालियर और शिवपुर जिलों में जल जीवन मिशन को आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्वालियर और शिवपुर जिलों में जल जीवन मिशन की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजनाओं से 720 से ज़्यादा गांवों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।